गणतंत्र दिवस के नाम पर मुरादाबाद की सड़कों पर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मचे हुड़दंग के बाद पुलिस ने 24 नाम दर्ज और 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। 1000 से अधिक बाइकों पर सवार इन युवकों ने डीजे की धुनों पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भव्य परेड निकाली गई, वहीं देश के विभिन्न शहरों से झंडा रोहण की तस्वीरें भी सामने आईं। तो वहीं मुरादाबाद की सड़कों पर हिंदू संगठनों की संयुक्त तिरंगा यात्रा शहर की सड़कों पर निकली तो शहर के सिविल लाइन इलाके में सड़कें जाम हो गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 दिन पूर्व ही किसान आंदोलन के मद्देनजर किसी तरह की तिरंगा यात्रा पर रोक लगाते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी थी, लेकिन आज मुरादाबाद में हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा ने योगी सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी, क्योंकि 1000 से अधिक बाइकों पर 2 से 2500 युवकों ने मुरादाबाद की सड़कों पर जमकर हुड़दंग मचाया। जब तिरंगा यात्रा निकाल रहे नेताओं से बात की गई तो उनका कहना था कि क्या होता है यूपी सरकार का आदेश, सबसे पहले गणतंत्र दिवस है। इस मामले में मुरादाबाद पुलिस ने थाना सिविल लाइन में 24 नाम दर्ज और 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि बिना अनुमति के तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी गवर्नमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, ये भारत का संविधान आज के दिन लागू हुआ था, मतलब उसके उपलक्ष्य में नहीं, यूपी ने पूरी तरह लोड रोक का मतलब जगह जगह कितनी बाइकें, लगभग 1000 बाइकें हैं, 2000 की संख्या है, 1500 की कानून ये आज के दिन संविधान लागू हुआ तो ये देशभक्ति है। पहले देशभक्ति लगती है बाद कानून आता है, देशभक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है। ये हिंदू समाज सभी भाइयों की ओर से है। ये कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ हिंदू संगठनों द्वारा बिना अनुमति रैली निकाली गई थी, जिस संबंध में 24 नामजद तथा 100 से 150 व्यक्ति अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है।